afternoon, everybody. Welcome back to the session. We have been meeting kuch dino se. We met MPPSC ke pehle bhi. Aapse hamari kuch 3-4 classes conduct hui thi. I conducted classes on the Act, SCST. I conducted few classes on the current affairs as well, right? So, we are back again. We will be taking few topics, static topics also. So, aaj's class jo hai, it is based on a static topic and which is also a very important topic. As you can see, national parks in India. So, agar aapse jo bhi bachche jude hue hain, please mujhe ek bar bata ke comment mein likh dijiyega ki aap aa gaye hain, so I can know who all are joining. Aur join karte jaiyega. Agar kisi ne nahi kiya hai, to ek bar please isko session ko aap share kar dijiyega, taki jo bachchon ko ye pata nahi chal paya, because time ka thoda issue abhi it's like not fixed. Last time we met around 5:30, 5:00, 6:00 also. So today we are meeting at this time. So please join and participate kariyega. Ye kafi okay, yeah, people on the app as well. I can see few are already here. Hi Ayush, good afternoon. So good afternoon everybody. अब क्योंकि आपका MPPSC हो चुका है, आई होप बहुत अच्छा गया होगा. और अब आने वाले एग्जाम, यू नो, एज UPPSC इज आल्सो अप्रोचिंग. सो UPPSC, MPPSC सारे एग्जाम्स अभी आने वाले हैं. जून में उनका प्रीलिम्स होने वाला है, UPSC भी आने वाला है. सो ये जो टॉपिक है, ये आपको सारे एग्जाम्स में हेल्प करेगा. इट इज़ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड इन ऑल काइंड ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स. कौन सा नेशनल पार्क कहाँ सिचुएटेड है, आपको स्टेट पता होना चाहिए और आपको नेशनल पार्क याद होना चाहिए, राइट? तो ये टॉपिक इसलिए इंपॉर्टेंट और हो जाता है क्योंकि ज्योग्राफी एंड इकोलॉजी आर काइंड ऑफ रिलेटेड टॉपिक्स. तो अगर आपको नेशनल पार्क्स की बात करूँ मैं, तो इट्स अ टॉपिक अंडर इकोलॉजी इन्वायरमेंट. बट ज्योग्राफी भी आपको उस नेशनल पार्क की पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली दैट पार्क इज सिचुएटेड इन विच स्टेट, यू नो, मे बी विच रिवर फ्लोज थ्रू इट. क्योंकि अगर आप UPSC देने वाले हैं, UPSC आजकल लिटिल ऑन अ हायर लेवल वो पूछ लेते हैं कि इस नेशनल पार्क में कौन सा पर्टिकुलर बर्ड एनिमल पाया जाता है या इसके बीच में कौन सी रिवर बहती है. ठीक है, सो या एवरीबॉडी, हेलो रिया, सुरेंद्र, सबको वेरी गुड आफ्टरनून. जल्दी से हम अब शुरू करते हैं. क्या इस सेशन में हैं, क्या क्या नेशनल पार्क्स हम पढ़ने वाले हैं. तो आप चाहें तो यू कैन टेक अ कॉपी एंड पेन. वैसे इसका PDF मिल जाएगा आपको वीडियो में. सारे कोशिश करेंगे कि हम वीडियो के साथ ही सब याद करते जाएँ. ठीक है, चलिए, सो लेट्स क्विकली स्टार्ट. What exactly are the protected areas of India? ठीक है, जैसे कि आप स्लाइड में देख सकते हैं. प्रोटेक्टेड एरिया की मैं बात करूँ तो आई ट्राई टू एक्सप्लेन बोथ इन हिंदी एंड इंग्लिश. बायलिंगुअल क्लास होगी. अगर किसी को लैंग्वेज में दिक्कत आए तो प्लीज़ लेट मी नो, उसका मैं ट्रांसलेशन रिस्पेक्टिवली करके बता दूंगी. ठीक है, चलिए. सो अगर आप स्लाइड में देख सकते हैं कि प्रोटेक्टेड एरिया ऑफ इंडिया, तो अगर हम नेशनल पार्क्स की बात करें, आप नेशनल पार्क्स अकेले नहीं सुनते हैं. वेन एवर यू लिसन नेशनल पार्क्स, यू इवन लिसन अबाउट वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, यू माइट हैव हर्ड अबाउट द कंजर्वेशन फॉरेस्ट, यू माइट हैव हर्ड अबाउट कम्युनिटी फॉरेस्ट. तो ये सब क्या होते हैं? आपने ये सुना होगा कि बायोस्फेयर रिजर्व, राइट? इंडिया में इतने बायोस्फेयर रिजर्व हैं. अभी इंडिया में ये नया बायोस्फेयर रिजर्व ऐड हुआ. तो जितना भी आप होल गमूत ऑफ चीज़ें सुनते हैं या पूरा जो इनको एग्जैक्टली हम क्या बोलते हैं, ये सारे के सारे किस में आते हैं? प्रोटेक्टेड एरियाज़ में. तो प्रोटेक्टेड एरियाज़ ऐसा है, ये ऐसा एक रीजन होता है, ये ऐसी एक चीज़ होती है. हाँ जी, हाँ जी, केमिस्ट्री, जूलॉजिकल पार्क भी इसमें आते हैं. मैं आगे आपको बताऊंगी कि इन सीटू और एक्सीटू क्या होता है. तो इसमें वेरियस कैटेगरीज होती हैं, वी विल डिस्कस दैट. पहले स्टेप बाय स्टेप जाते हैं, है ना? ठीक है, ओके. सो आई सी मोर ऑफ यू हैव ऑलरेडी ज्वाइंट. हाँ जी आयुष, MPPSC भी जून में है. अगर इस बार थोड़ा इधर उधर हो गया हो तो दोबारा के लिए वी कैन स्टार्ट प्रिपेयरिंग अभी से, है ना? सो प्रोटेक्टेड एरियाज कौन देता है, पहली इंपॉर्टेंट बात. जैसे कि आप देख सकते हैं, दीज आर डिफाइंड अकॉर्डिंग टू द गाइडलाइंस डिस्क्राइब्ड बाय IUCN. तो IUCN क्या है, ये आपसे बहुत डायरेक्टली पूछा जा सकता है. व्हाट एग्जैक्टली इज IUCN? इज इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर. तो IUCN के तहत में, मतलब ये इंडिया का कोई इनिशिएटिव नहीं है, IUCN एक इंटरनेशनल संस्था है. इट्स काइंड ऑफ एन यूनियन जो किसके लिए काम करता है, नेचर को कंजर्व करने के लिए. ठीक है, तो आपने जैसे सुना होगा, फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू हैव हर्ड कि जैसे टाइगर है
या ब्लैकबक है या किसी नीलगिरी तहार है, तो आप इनके साथ इनका स्टेटस पढ़ते होंगे कि ये इंडेंजर्ड हैं, दीज आर क्रिटिकली इंडेंजर्ड, फॉर एग्जांपल दिस इज़ वल्नरेबल. तो ये सब कैटेगरीज में कौन डिवाइड करता है, तो ये करता है IUCN. IUCN क्या करता है, एक नाम है रेड डेटा बुक. क्या बोलते हैं उसको हम, उसको हम बोलते हैं रेड डेटा बुक. ठीक है, तो ये रेड डेटा बुक में इट कैटेगराइजेस दीज एनिमल्स, बर्ड्स, प्लांट्स, वेरियस अदर थिंग्स इनटू डिफरेंट कैटेगरीज. कैटेगरीज कैसी होती हैं, डिपेंडिंग ऑन देयर कॉन्जर्वेशन, मतलब किस प्रजाति के एनिमल को या किस प्रजाति के प्लांट को कितनी सुरक्षा की ज़रूरत है हमारे द्वारा, सरकार के द्वारा. अगर बहुत ज़्यादा, हाँ मैं सब बताऊँगी डिफरेंस बिटवीन वाइल्डलाइफ सेंचुरी बायोस्फीयर रिजर्व, सब मैं बताऊँगी, बस थोड़ा सा बने रहिएगा सेशन में, आपकी जितने मन में कन्फ्यूजन्स है ना सब यहाँ पे हल हो जाएंगे. चलिए ठीक है, सो ये कैटेगराइज करता है, रेड डेटा बुक इसमें आता है. रेड डेटा बुक का और भी डिफरेंट नाम होता है. रेड डेटा बुक में एक पिंक डेटा बुक आता है, ठीक है, एक ब्लैक डेटा बुक आता है. तो रेड डेटा बुक बेसिकली ब्रॉड कैटेगरी होती है, उसमें ये सारी चीज़ें एज पर द कंजर्वेशन एफर्ट्स रिक्वायर्ड टू सेव देम कैटेगराइज होते हैं. ठीक है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड होगा तो ये बहुत ही कम बचे हैं हमारे अर्थ के ऊपर, तो इनको हमें प्रिजर्व करने के लिए, इनको सेव करने के लिए हमको ज़्यादा एफर्ट्स की ज़रूरत है. ठीक है, सो व्हाट आर द वेरियस कैटेगरीज इन जो प्रोटेक्टेड एरियाज हैं. पहला जो है नेशनल पार्क, जो हम आज सेशन में पढ़ेंगे कितने कितने नेशनल पार्क होते हैं. ठीक है, दूसरा क्या है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज. अब आप सुनते होंगे कि नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में अंतर क्या है, तो ये मैं आपको बताऊंगी और ये आपको मेंस में भी पूछा जा सकता है. अगर आप UPPSC का मेंस देने वाले हैं या आप MPPSC का मेंस देने वाले हैं, तो ये किस में आ सकता है, ये आपके पेपर थ्री में. ठीक है, पेपर वन ज्योग्राफी में भी आ सकता है और आपको इकोनॉमी के टर्म्स में भी पूछा जा सकता है, जो पेपर थ्री होता है, कि इन दोनों में अंतर क्या है, तो वो मैं आपको आगे बताऊंगी. कंजर्वेशन रिजर्व्स क्या होते हैं, कंजर्वेशन रिजर्व्स भी एक तरीके का एरिया होता है, जो सरकार क्या कर देती है, सरकार किसी एरिया को गठित कर देती है कि ये पर्टिकुलर एरिया ए है, इसमें इन इन प्रजाति को कंजर्व किया जाएगा. ठीक है, और इसका ओनरशिप सरकार की होती है, पर इनको कंजर्व करने में सहायता कौन देता है, हु आर द पीपल हु कंट्रीब्यूट टू प्रिजर्विंग दैट काइंड ऑफ एरिया, वो वहाँ की क्या होती है, लोकल कम्युनिटी होती है. ठीक है, जैसे आपने सुना होगा कि बिश्नोई कम्युनिटी राजस्थान की है, आपने सलमान खान का केस सुना होगा, ब्लैकबक केस. ठीक है, तो बिश्नोई कम्युनिटी क्या होती है, बिश्नोई कम्युनिटी एक ऐसी कम्युनिटी है, एक ऐसी कास्ट है, उसको हम बोलेंगे कि जो वहाँ पे रह के वो बहुत अपना योगदान देती है वहाँ के लोकल एनिमल्स को प्रोटेक्ट करने में. फॉर एग्जाम्पल आपने सुना होगा सलवा जुडम, आपने सुना होगा चिपको मूवमेंट, तो ऐसा बहुत सी कम्युनिटीज़ होती हैं जो इन्वायरमेंट को प्रिजर्व करने के लिए, कंजर्व करने के लिए सहायता देती हैं. तो ये किस में आ जाता है, ये कम्युनिटी रिजर्व में आ जाता है. ठीक है, तो इन दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा, ये क्या होता है मैं आपको और डिटेल में समझाऊंगी. चार कैटेगरी होती है, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कंजर्वेशन रिजर्व्स एंड कम्युनिटी रिजर्व्स. ठीक है, हाँ जी बिल्कुल सत्यम, सुंदरलाल बहुगुना उससे जुड़े हुए हैं. आपको ऐसे ऐसे शख्सियत के नाम याद होने चाहिए, डायरेक्टली एग्जाम में पूछ सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल दे कैन आस्क यू राजेंद्र सिंह किससे जुड़े हैं, तो राजेंद्र सिंह आपको पता होना चाहिए, वाटरमैन ऑफ इंडिया कहलाए जाते हैं. सुंदरलाल बहुगुना आपको पता होना चाहिए, मेघा पाटकर आपको पता होना चाहिए कि नर्मदा बचाओ आंदोलन से जुड़ी हैं. सो दीज आर द फ्यू पीपल जो काफ़ी न्यूज़ में रहते हैं, तो इनके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए. ठीक है, हाँ जी, तो आज फाइनली वी आर हेयर नेशनल पार्क्स. तो ये जो हमारी क्लास का मेन टॉपिक है नेशनल पार्क्स, तो रिसेंटली ये जो डेटा मैं आपको बता रही हूँ, ये 104 ये लेटेस्ट डेटा है, 2019 में नेशनल पार्क्स की अगर हम संख्या देखें कितने हैं, तो आपसे डायरेक्ट क्वेश्चंस आपके स्टेट PCS में पूछा जा सकता है. इन द करंट यू नो प्रेजेंटली हाउ मेनी नेशनल पार्क्स आर देयर इन इंडिया, तो यू शुड रिमेंबर 104 हैं. ठीक है, और नेशनल पार्क एग्जैक्टली क्या होते हैं, इट्स ये जैसे कि आप देख सकते हैं, इट्स एन एरिया सिंपल भाषा में समझाऊँ, स्लाइड में आप पढ़ सकते हैं, बट वॉट एग्जैक्टली इज़ अ नेशनल पार्क. नेशनल पार्क ऐसी होती हैं जो सरकार, वो क्या हो सकती है, वो स्टेट गवर्नमेंट भी हो सकती है. अगर आपसे कोई पूछे कि नेशनल पार्क को डेजिग्नेट करने के लिए, फॉर एग्जाम्पल अगर MP में एक नया नेशनल पार्क बनने वाला, कूनो पालनपुर, ठीक है, ये एक नया नेशनल पार्क है, तो इस नेशनल पार्क को कौन इसको परमिशन देगा, हु व्हाट विच गवर्नमेंट
will give the permission to set up this particular national park. So it could be central government, it could be a state government. ठीक है, ये उनके खुद के एक नियम पारित करती हैं, एक उनका ऑफिशियल गजट में नोटिफिकेशन आ जाता है, तो ये नेशनल पार्क वो पर्टिकुलर एरिया बन जाता है. ठीक है, और ये कौन सा एरिया बनता है? ऐसा एरिया जहाँ पे उन लोगों को लगता है कि वहाँ पे किसी प्रजाति, फॉर एग्जांपल एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, कोई एक तरीके कुछ बर्ड्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं और उनको हमें बचाना है और हमें ऐसा अंदेशा है कि उनको आने वाले टाइम में बहुत थ्रेट होने वाला है, मे बी बिकॉज ऑफ ह्यूमन इंटरफेरेंस, मे बी बिकॉज ऑफ इन्वायरमेंट, तो हम उस पर्टिकुलर एरिया को क्या बना देंगे? नेशनल पार्क बना देंगे. ठीक है, एक बात हो गई, कौन करता है? स्टेट गवर्नमेंट कर सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट कर सकती है. अगर अब इनकी बाउंड्री चेंज करनी है, फॉर एग्जाम्पल पहले नेशनल पार्क था ए, अब हमको बनाना है इसको बी, तो कौन करेगा? तो भी स्टेट गवर्नमेंट कर सकती है, बट इसके लिए कोई एक्ट की ज़रूरत नहीं है, ये किससे हो जाएगा? ये रेजोल्यूशन से हो जाएगा. सरकार एक कोई भी रेजोल्यूशन पारित कर सकती है, उसके थ्रू एरिया इसका चेंज हो सकता है. तो आपको पता, टोटल वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज 543 के अराउंड है अंचल, एक बार चेक कर लीजिएगा, नेशनल पार्क्स आपके 104 हैं. ठीक है, और अगर मैं बात करूं, जैसे आप देख सकते हैं, नो ह्यूमन एक्टिविटीज इज़ अलाउड. कोई भी नेशनल पार्क होगा तो उसमें देर इज़ नो ह्यूमन एक्टिविटी अराउंड व्हाटसो एवर. आप अगर सोचें कि वहाँ जाके मैं अपना कुछ व्यवसाय डालूं, मैं वहाँ पे जाके कोई घर बना लूं, या फॉर एग्जांपल मैं वहाँ जाके कोई अपना ऐसा खेती कर लूं, या मैं बी रंचिंग कर लूं, कुछ भी कर लूं, तो आपके लिए वो अलाउड नहीं रहेगा. कुछ ऐसा हो सकता है, देर कुड बी फ्यू प्रोविजन इन विच द गवर्नमेंट कैन अलाउ यू टू पास थ्रू दैट पर्टिकुलर नेशनल पार्क. फॉर एग्जाम्पल अगर आपने भोपाल का नेशनल पार्क सुना होगा, बहुत फेमस नेशनल पार्क है, और अगर उस नेशनल पार्क में साइकिलिंग अलाउड है, बर्ड वॉचिंग अलाउड है, फोटोज़ लेना अलाउड है, बट वहाँ पे आप कुछ एक्टिविटी नहीं कर सकते, सब कुछ प्रतिबंधित होता है. ठीक है, तो नेशनल पार्क में और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में ये बहुत बड़ा अंतर होता है. वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में काफ़ी चीज़ें अलाउड होती हैं, मैनी थिंग्स आर अलाउड इन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. यू कैन गो एंड यू कैन यू नो डू वेरियस काइंड ऑफ रिसर्च, इन्वेस्टिगेशन, वट एवर यू वॉन्ट टू डू विद ड्यू परमिशन फ्रॉम द रिस्पेक्टेड अथॉरिटी. नेशनल पार्क में आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं. ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि कहाँ से परमिशन मिलनी चाहिए, चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन. चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन कौन होती है? एक तरीके का ये हेड करती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपने सुना होगा स्टेट फॉरेस्ट कमेटी या सेंट्रल फॉरेस्ट कमेटी. ये सब कमेटीज़ किस एक्ट के तहत होती हैं? ये होती हैं वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972. ये एक एक्ट है जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने पास किया था. ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम्स के लिए. हम आगे मैं बताऊंगी इस एक्ट में क्या क्या है. तो इस एक्ट के तहत ऐसी संस्थाएं बनाई जाती, कम्युनिटीज़ बनाई जाती हैं, जिनके थ्रू एक ऐसी वार्डन बनाई जाती हैं. उनसे आपको परमिशन लेनी पड़ेगी, अगर आपको कोई चीज़ एक्सेस करनी है, वहाँ पर कुछ आपको पास पैसेज लेना है, तो चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन से आपको परमिशन लेनी पड़ेगी. ठीक है, हाँ जी. तो जैसे कि पूछा था कि कितने नेशनल पार्क्स हैं, 104 हैं. वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं 543 पहले थी, अब शायद 551 अराउंड हो गई होंगी, 550. तो ये हमेशा डेटा चेंज होता रहता है. सो व्हेनेवर यू गोइंग टू अटेम्प्ट सर्टेन एग्जामिनेशन, अगर आप यूपीपीएससी लिखने वाले हैं तो यूपी में जो नया बना है वो आप पढ़ेंगे. अगर आप यूपीएससी देने वाले हैं तो आप सब कुछ पढ़ेंगे. तो ऐसे करके आपको अपना अपडेट करना पड़ेगा. ठीक है, और लास्ट पॉइंट क्या दिया, इट कवर्स एरिया अराउंड 1.23%. मतलब जो आपका इंडिया का, भारत का पूरा ज्योग्राफिकल एरिया है, वो 1.23% कवर करता है नेशनल पार्क. ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपको कुछ एक अंदाज़ा याद होना चाहिए. अगर आपसे पूछें तो इट कवर्स अराउंड 1.23% ऑफ द ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ द कंट्री. ठीक है, हाँ जी. तो कम्युनिटी, बिल्कुल कम्युनिटी पे जब हम आएंगे तो मैं आपको बताऊंगी क्या है कम्युनिटी, कितने हैं कम्युनिटी रिजर्व. जहाँ तक मुझे याद था चार थे, चार के अलावा भी और कुछ नए नए बनते जाते हैं. इनमें एक अवार्ड भी दिया जाता है कम्युनिटी रिजर्व, अगर जो कम्युनिटी उस चीज़ में बहुत ज़्यादा तत्पर है प्रोटेक्शन के लिए, तो उनको एक नेशनल अवार्ड भी दिया जाता है, वो भी मैं आपको बताऊंगी. सो प्लीज़ स्टे कनेक्टेड. हाँ जी, वन विहार नेशनल पार्क, बिल्कुल ISO सर्टिफाइड है ये MP में है और इसको वन विहार नेशनल पार्क बोलते हैं. ठीक है, चलिए लेट्स क्विकली मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड. ठीक है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, देर आर अराउंड 543 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज इन इंडिया, एंड इट कवर्स 3.62% ऑफ द ज्योग्राफिकल एरिया. तो हाँ दिव्या, मैं बताऊंगी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इन्हीं से निकल के आएंगे. क्वेश्चंस कहाँ से बनते हैं? क्वेश्चंस हमें स्किम करना पड़ता है कंटेंट से. तो आप कंटेंट याद कर लीजिएगा, क्वेश्चंस आराम से हल कर पाएंगे. ठीक है, हाँ जी. तो जितने भी नए लोग हैं, सोनिया, रिज, वेलकम.
we have just started the class. Join आप बिल्कुल बने रहिएगा आगे की क्लास के लिए. सो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कितना एरिया कवर करती है? ये ज़्यादा एरिया कवर करती है, 3.62. क्योंकि अगर मैं नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में डिफरेंस बताऊँ तो नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है, ये याद रखिएगा इसमें डिफरेंस क्या होता है. ये ज़्यादा स्ट्रिक्ट होता है, इसके रूल्स आर मोर स्ट्रिक्टर, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के आर लेस स्ट्रिक्ट. ठीक है, नेशनल पार्क में देर इज अ डेफिनेट स्टार्ट एंड एंड टू अ नेशनल पार्क, एक डेफिनेट बाउंड्री होती है. सो आप क्या बोलेंगे? देर इज अ डेफिनेट बाउंड्री. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपको पता होगा ये स्टार्ट कहाँ से हो रहा है और ये सीमा इसकी खत्म कहाँ हो रही है. वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में देर इज नो डेफिनेट, देर इज नो डेफिनेट डिमार्केशन. मतलब वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बेसिकली और ब्रॉड कैटेगरी का होता है इन टर्म्स ऑफ प्रोटेक्शन. जैसे कि किसी बच्चे ने मुझसे पूछा था कि मैम बफर स्टेट क्या होता है. फॉर एग्जाम्पल ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ठीक है, ये इसका कोर जोन होगा. आप बायोस्फीयर रिजर्व, कंजर्वेशन रिजर्व पढ़ेंगे तो मैं डिटेल में कभी बाद में बताऊंगी, बट एक ना ये टर्म्स होते हैं. फॉर एग्जाम्पल कोर, कोर क्या होता है? कोर ऐसा एरिया होता है जहाँ पे नो एक्टिविटी इज अलाउड व्हाटसोएवर. मतलब इस पर्टिकुलर एरिया में कोई भी इंसान नहीं जा सकता फॉर एनी काइंड ऑफ रिसर्च, फॉर एनी काइंड ऑफ बर्ड वॉचिंग या किसी भी एक्टिविटी के लिए. वेयर एज बफर एरिया, जो बफर एरिया होता है उसमें क्या होता है, उसमें द परमिशन इज ग्रांटेड. सो वेन एवर अ पर्सन, फॉर एग्जाम्पल कोई पर्सन आ रहा है फॉर एग्जाम्पल फ्रॉम अमेरिका, ओके, एंड ही वॉन्ट टू लर्न, ही वॉन्ट टू स्टडी समथिंग अबाउट द पर्टिकुलर काइंड ऑफ बर्ड या पर्टिकुलर काइंड ऑफ ट्रीज विच एग्जिस्ट ओनली इन दिस पर्टिकुलर सेंचुरी. तो वो क्या करेगा, वो परमिशन लेगा और बफर एरिया में आप बहुत कुछ वहाँ पे कर सकते हैं. ठीक है, वहाँ पे इवन एम्प्लॉयमेंट या ऐसी कुछ एक्टिव इकोनॉमिक एक्टिविटी भी अलाउ होती है. सो देर इज काइंड ऑफ दिस काइंड ऑफ एरियाज विच आई टेल यू डिटेल में. फिलहाल याद रख लीजिएगा कि नेशनल पार्क्स आर मोर स्ट्रिक्टर, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आर लिटिल लेस स्ट्रिक्टर. ठीक है, दूसरा डिफरेंस क्या है? डेफिनेट बाउंड्री, डेफिनेट बाउंड्री नेशनल पार्क्स में होती है और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में देर इज नो एसिड डिमार्केशन. ये काफ़ी ब्रॉड एरिया होता है, ये काफ़ी ब्रॉड एरिया होता है. तो आपको दो तीन डिफरेंस पता चल गए, तभी आपने देखा होगा नेशनल पार्क्स कम है, ये कितने हैं 104 हैं और ये कितनी है 543 हैं. तो आप यहाँ पे काफ़ी चीज़ें, और नेशनल पार्क जनरली अगर हम बात करें तो जनरली किसी इट्स डेडिकेटेड टू वन एनिमल और स्पीशीज. ऐसा हो सकता है कि पर्टिकुलर नेशनल पार्क किसी एक स्पीशी या किसी एक प्रजाति को बचाने के लिए हो, या और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या होती है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में देयर कैन बी मेनी मेनी काइंड ऑफ स्पीशीज एग्जिस्टिंग. फॉर एग्जांपल वहाँ पे कैसा छोटी सी नदी हो सकती है, ठीक है, उस पूरे एरिया में कुछ ऐसी ट्रीज हो सकती हैं जिनको कंजर्व करना है. तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कवर्स अ ब्रॉडर डोमेन. तो ये एक चीज़ है. ठीक है, इसमें कुछ कन्फ्यूजन है आपको? प्लीज़ एक्सप्लेन. रामसार पे आएंगे. रामसार इज़ नॉट रिलेटेड टू नेशनल पार्क, रामसार वेटलैंड से जुड़ा हुआ है. जैसे कि आपने पढ़ा होगा कि वेटलैंड क्या होता है, वेटलैंड एक ऐसा एरिया होता है जिसपे पानी का संग्रह बोल सकते हैं उसको. ठीक है, इट्स नॉट अ लेक, इट्स नॉट एन ओशन, इट्स नॉट इवन अ रिवर, इट्स काइंड ऑफ अ लेक बोल सकते हैं. मैन मेड हो सकता है, नेचुरल हो सकता है. तो रामसार कन्वेंशन एक इंटरनेशनल कन्वेंशन है जिसके तहत, जिस ट्रीटी के तहत एक कंट्री को साइन करना पड़ता है. तो इंडिया इज़ अ पार्ट ऑफ रामसार कन्वेंशन. जैसे भोपाल में आपने सुना होगा लेक है, ठीक है, भोपाल लेक, अपर लेक, तो वो एक तरीके का वेटलैंड है. उसको आप अगर रामसार कन्वेंशन के तहत आपने वो किया है, साइन सिग्नेटरी है, सो यू हैव टू प्रोटेक्ट दैट पर्टिकुलर वेटलैंड एज पर द कन्वेंशन. ठीक है, तो वेटलैंड इसका पार्ट नहीं है, फिलहाल हम यही समझते हैं. तो ये आपको क्लियर है नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में क्या अंतर होता है. कोई भी और सोनिया नेटवर्क इशू में भी रिफ्रेश कर लीजिएगा. पीपल ऑन द ऐप एज वेल, आयुष आई एम सीइंग योर कमेंट्स ऑल्सो. हाँ जी, वही मैं बोल रही हूँ, नेशनल पार्क्स में बिल्कुल भी अलाउड नहीं होती है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में सब्जेक्ट टू द परमिशन अलाउड हो जाती है. वैसे दोनों में ह्यूमन एक्टिविटीज़ अलाउड नहीं होती हैं, बट देर आर फ्यू एक्टिविटीज़ विच कुड बी ग्रांटेड इन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बट नेशनल पार्क्स में इट्स टोटली बैंड. ठीक है, अब हम कंजर्वेशन रिजर्व में आते हैं. कंजर्वेशन रिजर्व, जैसे कि मैंने आपको बताया, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो था 1972 का,
1972 में ये पारित हुआ था, गवर्नमेंट ने इसको साइन किया था फाइनली. तो ये इसका अमेंडमेंट हुआ था. अमेंडमेंट से आप मतलब समझते हैं संशोधन जो होता है किसी भी एक्ट का. तो इसके बहुत सारे अमेंडमेंट्स हुए हैं. इसका अमेंडमेंट हुआ है 86 में. तो ये जो अमेंडमेंट है ये इसका बहुत इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है. इस अमेंडमेंट में क्या बताया, इस अमेंडमेंट में ये बताया जितनी भी पनिशमेंट्स दी हुई हैं किसी भी ऑफेंस के लिए, तो ऑफेंस के लिए जो पनिशमेंट्स हैं स्ट्रिक्टर कर दी गई थी, उसको बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट कर दिया गया था. क्यों करा था स्ट्रिक्ट, क्योंकि देवर मेनी केसेस हैपनिंग जिसके लिए पनिशमेंट बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली दे नहीं रहे थे. सो इस अमेंडमेंट के तहत 2002 के अमेंडमेंट के तहत पनिशमेंट को स्ट्रिक्टर बनाया गया था. और उसी अमेंडमेंट के थ्रू कंजर्वेशन रिजर्व्स की स्थापना हुई थी. कंजर्वेशन स्पाइडरमैन नहीं, 543 नहीं है, रीसेंट डेटा के अकॉर्डिंग स्लाइड में भी 543 था बट जो अपडेटेड है वो 551 है. सो प्लीज़ जिन बच्चों को भी कंफ्यूजन हो रहा है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज का जो नंबर है इट इज़ 551, ठीक है, 551, नेशनल पार्क्स इज 104, दैट इज़ 104, ठीक है. हाँ जी, और कोई डाउट हो तो प्लीज़ मुझे लिख के बताइएगा. सो कंजर्वेशन रिजर्व्स क्या होते हैं, ये एक तरीके का बफर जोन होते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं नेशनल पार्क की बात करूं और ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की बात करूं तो इनमें कुछ ऐसे बफर जोन्स होते हैं, ठीक है. उनको कोई एक नेशनल पार्क है यहाँ पे बीच में सिचुएटेड और यहाँ पे कोई एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है. जैसे मैंने आपको बताया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज़ अ ब्रॉडर एरिया और उसके अंदर एक नेशनल पार्क सिचुएटेड है, तो उनके जो बीच का एक एरिया आएगा जो एक बफर होगा उसको हम बोलते हैं कंजर्वेशन रिजर्व्स. और ये किसका होता है, कंजर्वेशन रिजर्व्स का कौन मॉनिटर करता है, ये सरकार करती है. तो स्टेट और द सेंट्रल गवर्नमेंट मॉनिटर्स इट, उनके तहत आते हैं, ओन्ड बाय द गवर्नमेंट. इफ़ यू कैन सी हेयर ऑन द स्लाइड इट्स कम्प्लीटली ओन्ड बाय द गवर्नमेंट, ठीक है. बट उसमें प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी किसकी होती है, प्रोटेक्ट करने की, उसको संरक्षित करने की जिम्मेदारी किसकी होती है, वहाँ के लोकल लोगों की. क्योंकि लोकल्स की क्यों होती है, कि नेशनल पार्क में तो कोई रह नहीं सकता बट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में जो भी लोकल कम्युनिटी या कोई लोग जो रहते हैं उनकी जिम्मेदारी होती है उस बफर जोन में उस पर्टिकुलर चीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए. सो इफ़ समवन आस्क यू व्हाट एग्जैक्टली इज़ अ कंजर्वेशन रिजर्व, तो एक बफर होता है नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बीच में और इट्स कम्प्लीटली ओन्ड बाय द गवर्नमेंट. बट द प्रोटेक्शन का जो ओनर्स होता है, जो जिम्मेदारी होती है वो किस पे होती है, वो वहाँ की लोकल कम्युनिटी पे होती है, ठीक है. हाँ जी, सो अब कम्युनिटी रिजर्व आया. कम्युनिटी रिजर्व भी 2002 के अमेंडमेंट के तहत जोड़ा गया था. कम्युनिटी रिजर्व जैसे मैंने आपको बताया ये भी एक तरीके के बफर जोन होते हैं. पर कंजर्वेशन और कम्युनिटी रिजर्व में क्या अंतर होता है, कंजर्वेशन रिजर्व जहाँ की गवर्नमेंट ओन्ड होते हैं, जैसे कि आपने पढ़ा होगा देवर ओन्ड बाय द गवर्नमेंट सेंट्रल और स्टेट. कम्युनिटी रिजर्व क्या होते हैं, कम्युनिटी रिजर्व टोटली ओन्ड बाय द लोकल कम्युनिटी. तो ये जो होते हैं ये लोकल कम्युनिटी के द्वारा ओन किए जाते हैं, ठीक है. और जो मेन पॉइंट है इन कम्युनिटी रिजर्व्स का, दे आर यूज फॉर सब्सिस्टेंस. मतलब सब्सिस्टेंस से आप क्या मतलब समझते हैं, फॉर एग्जांपल अगर वहाँ पे कोई कम्युनिटी रह रही है, ठीक है, और उसका जो एक मेन जो उसका आय का जो एक जरिया है, जो द मेन सोर्स ऑफ इनकम फॉर दैट पर्टिकुलर कम्युनिटी इज, वो शहद बेचती है, तो वो वहाँ का जितने भी बी हाइव्स होंगे वो उनको लेकर वो उसको शहद बेचने के वहाँ पे आज़ादी होगी. इट कैन डू दैट पर्टिकुलर थिंग. वहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटी भी हो सकती है. क्यों हो सकती है, बिकॉज दैट पर्टिकुलर लैंड दैट पर्टिकुलर एरिया इज ओन्ड बाय दैट कम्युनिटी. तो उसका हक बनता है, वो कुछ भी कर सकती है. कंजर्वेशन रिजर्व में ओनरशिप किसकी होती है, गवर्नमेंट की होती है. कम्युनिटी रिजर्व में ओनरशिप किसकी होती है, लोकल कम्युनिटी की होती है, ठीक है. सो ये मेन है दो डिफरेंसेस कम्युनिटी और कंजर्वेशन रिजर्व में. इसके बाद हम आते हैं, हाँ जी, तो दो मेन एक्ट है, एक्ट जो रिलेट करता है वाइल्ड लाइफ को, दैट इज कॉल्ड वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972, WPA, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ये एक्ट इट वॉज एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर, बट 31 अक्टूबर के बाद, जैसे कि आपको पता है जम्मू एंड कश्मीर इट्स नाउ एन इंटीग्रल पार्ट, इट वॉज ऑलरेडी बट नाउ इट्स नॉट अ डिफरेंट एंटिटी. तो ये एक्ट वहाँ पर भी लगेगा, ये ऑल ओवर इंडिया में अभी लगेगा, ठीक है. और अगर मैं बात करूँ What exactly are the provisions related to this particular Wildlife Protection Act? तो इसमें schedules होते हैं. Schedules से आप क्या समझते हैं, इसके parts होते हैं. तो one is Schedule 1, Schedule 2,
Schedule 3, Schedule 4, another is Schedule 5 and Schedule 6. तो अगर मैं वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट WPA एक्ट की बात करूं तो इसमें ऐसे करके 6 शेड्यूल्स होते हैं. मतलब कोई भी एक्ट अगर आपने पढ़ा, आपने MPPSC पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा कोई भी ऐसी एक्ट होता है जो अधिनियम होता है, इट्स डिवाइडेड इनटू वेरियस पार्ट्स. ठीक है, तो ये शेड्यूल्स होते हैं, उसमें क्या लिखा हुआ है उसमें डिपेंड करता है कि कौन सा एनिमल कौन से शेड्यूल में लाई कर रहा है तो उसको कितनी प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए. ठीक है, अगर आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन आए कि फॉर एग्जाम्पल दे माइट आस्क इफ what exactly Schedule 1 and Schedule 2 of the WPA Act signify. तो आपको क्या क्या आप बोलेंगे Schedule 1 और Schedule 2 में ऐसे animals, ऐसे birds रखी जाती हैं जिनको सबसे ज़्यादा maximum protection की ज़रूरत होती है, जिनको किसकी ज़रूरत होती है maximum protection की. मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल आपने ऑलिव रिडली टर्टल्स का नाम सुना होगा उड़ीसा में, तो अगर इनको मैंने शेड्यूल 1 में रख दिया तो मतलब ये बहुत तेज़ी से गिर रहे हैं संख्या में और इनको बचाने के लिए हमें बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लेने हैं. एज वेल अगर इनके खिलाफ कोई कुछ इंसान कुछ करता है, फॉर एग्जांपल इफ़ समवन ट्राइज टू हार्म देम बाय एनी सच मैटर और मींस, तो उस पर जो पनिशमेंट होगी वो बहुत स्ट्रिक्ट होती है. इट स्टार्ट्स फ्रॉम 10,000 rupees और उसका जो जेल का टर्म होता है वो 7 साल तक जाता है. तो शेड्यूल 1 और पार्ट 2 ऑफ शेड्यूल 2 ये सबसे स्ट्रिक्ट होते हैं. शेड्यूल 3 और शेड्यूल 4 में लेसर स्ट्रिक्टर पनिशमेंट होती है. तो जो इसमें अगर कोई प्रजाति है जो शेड्यूल 3 और शेड्यूल 4 में लिस्टेड है, एनी काइंड ऑफ स्पीशीज विच इज़ देयर विच इज़ लिस्टेड इन शेड्यूल 3 एंड शेड्यूल 4, उसमें पनिशमेंट तो होगी अगर आप उनको हार्म करेंगे, अगर आप उनको इलिसिट ट्रैफिकिंग में उनका करेंगे. फॉर एग्जांपल अगर आपने टाइगर एलिफेंट है, एलिफेंट का जो आपने देखा होगा कि दांत बहुत इधर पीपल यू नो बेचते हैं इधर से उधर इलीगली, तो वो किस में आता है, वो शेड्यूल 1 शेड्यूल 2 में आता है. पर शेड्यूल 3 शेड्यूल 4 में जो आएगा उसमें पनिशमेंट होगी पर थोड़ी सी लेस स्ट्रिक्ट होती है. शेड्यूल 5 और शेड्यूल 6, तो शेड्यूल 5 में क्या होता है वर्मिन्स होते हैं. वर्मिन अगर आपने नाम सुना होगा, वॉट एग्जैक्टली इज़ वर्मिन. वर्मिन ऐसी चीज़ होती है जिनको मारने पर या जिनको हार्म करने पे भी आपको किसी भी प्रकार का फाइन या किसी भी प्रकार की सज़ा नहीं होगी. ठीक है, हाँ जी आयुष, बिल्कुल थैंक्स फॉर द एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन. हाँ जी, तो वही हॉकी वर्ल्ड कप का उनका मास्कट भी था रिडली टर्टल. बिल्कुल, तो ऐसे करंट अफेयर्स से रिलेटेड भी चीज़ें आपको पता रहनी चाहिए, है ना. तो वर्मिन्स क्या होते हैं, वर्मिन्स फॉर एग्जांपल रैट हो गया, ठीक है, एक तरीके एक नीलगाय आपने सुना होगा न्यूज़ में, तो उनको मारने पे, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि फार्मर्स कंप्लेन करते हैं कि वो गाय से उनका जो क्रॉप्स है वो डिस्ट्रक्ट हो रहे हैं, तो सरकार उनको परमिशन देती है कि आप उनको मार सकते हैं. ठीक है, फॉर एग्जांपल रैट, हम रैट को भी मार लेते हैं, हमें कुछ पनिशमेंट नहीं होती है, तो दीज आर कॉल्ड वर्मिन. ये किस में लिस्टेड है, ये शेड्यूल 5 में है. शेड्यूल 6 में कौन लिस्टेड होता है, प्लांट्स. एक तरीके की प्लांट कम्युनिटीज जो जिन जिनको प्रोटेक्शन की ज़रूरत होती है वो किस में लिस्टेड होती हैं, दोज आर लिस्टेड इन शेड्यूल 6. ठीक है, तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यू शुड रिमेंबर देर आर 6 शेड्यूल्स. इट डिपेंड्स द एनिमल्स द स्पीशीज आर एनलिस्टेड, दे आर कैटेगराइज एज पर द अमाउंट ऑफ प्रोटेक्शन रिक्वायर्ड टू सेव देम. ठीक है, चलिए, तो ये कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जो रिलेटेड हैं वाइल्ड लाइफ से. आप देख सकते हैं, जैसे अभी मुझसे किसी ने क्वेश्चन पूछा था कि मैम प्रोजेक्ट टाइगर और ये सब किस में रिलेटेड है, तो बिल्कुल ये सब जो आप प्रोजेक्ट्स देख रहे हैं, प्रोजेक्ट टाइगर 1973, ऑपरेशन क्रोकोडाइल 1975, प्रोजेक्ट राइनो 1987, एलिफेंट 1992 एंड स्नो लेपर्ड जो कि सबसे रिसेंट है, इससे रिलेटेड एक करंट अफेयर्स में हुआ था. मुझे बताइएगा कोई लिखकर अगर आप करंट अफेयर्स देखते हैं, रिसेंटली 2019 में कुछ एक ऐसा पहला इनिशिएटिव हुआ था प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड के तहत जो कि इंडिया ने जिसमें पार्टिसिपेट किया था, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. ये अक्टूबर की ही न्यूज़ है, तो मुझे बताना कॉमेंट में लिखकर कि क्या वो न्यूज़ थी. ठीक है, सो हम प्रोजेक्ट टाइगर में आते हैं. प्रोजेक्ट टाइगर क्या है, प्रोजेक्ट टाइगर वही है जो हमने पहले पढ़ा था. इट्स एन कॉन्जर्वेशन एफर्ट टाइगर्स को बचाने के लिए. इसके तहत ही क्या होता है, जो आपने मैंने आपको एक क्लास में बताया था NTCA, नेशनल टाइगर कॉन्जर्वेशन अथॉरिटी, जितना भी टाइगर सेंसेस होता है, अभी सबसे ज़्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइगर्स कहाँ हैं, 526 MP में, 524 कहाँ हैं कर्नाटका में,
तो ये इनकी गणना, इनका सेंसस कौन करवाता है, इनका सेंसस करवाता है, कौन करवाता है, NTCA, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। हाँ, कितने साल में सेंसस होते हैं, हर 4 साल में इसका सेंसस होता है, ठीक है। तो ये सब कुछ पॉइंट इंपॉर्टेंट है प्रोजेक्ट टाइगर से रिलेटेड। किस टेक्नोलॉजी को यूज़ करके सेंसस होता है, तो आपको पता होना चाहिए, एम स्ट्राइप्स एक नई टेक्निक है जिसके तहत, जिसको यूज़ करके टाइगर्स का सेंसस होता है। तो ये हो गया, क्रोकोडाइल इज़ नॉट दैट इम्पॉर्टेंट, ईयर याद होना चाहिए आपका। अगर कुछ क्रोनोलॉजी वाला क्वेश्चन आ जाए कि अरेंज करिए इन सारे प्रोजेक्ट्स को, कि पहला कौन से ईयर में आया, फिर कौन सा आया, तो सबसे पहले आया था टाइगर 1973। ये कब आया था, जब इंदिरा गांधी हमारी प्राइम मिनिस्टर थी, इंदिरा गांधी ये प्रोजेक्ट लाइन थी, उन्हीं का इनिशिएटिव था। तो टाइगर आया था, फिर क्रोकोडाइल आया था 75 राइनो कब आया था 1987 में। राइनो में आपको, आपने पढ़ा होगा आसाम में बहुत ज़्यादा राइनोसरस पाए जाते हैं, वन हॉर्न राइनो पाया जाता है, उसके तहत 1987 के तहत ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट राइनो, ठीक है। प्रोजेक्ट एलिफेंट, प्रोजेक्ट एलिफेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है प्रोजेक्ट एलिफेंट, क्योंकि ये ऐसे एलिफेंट्स को प्रोटेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर प्रोजेक्ट एलिफेंट की बात करूं, तो ये अभी कितने स्टेट्स में है, ये 16 स्टेट्स में है। एलिफेंट सेंचुरी इनके तहत बनाई जाती हैं। आपने एक सुना होगा कि क्या सुना था आपने, एक नाम सुना होगा एलिफेंट कॉरिडोर, एलिफेंट कॉरिडोर्स होते हैं। व्हाट एग्जैक्टली आर दीज कॉरिडोर्स, ये एक तरीके के पैसेज होते हैं। अगर मैं इन दो जगह की बात करूँ, यहाँ पे एलिफेंट्स रहते हैं, यहाँ पे भी कुछ ऐसा नेशनल पार्क या सेंचुरी है, तो इनको यहाँ से यहाँ जाने के लिए एक ऐसा रास्ता बनाया जाता है डेजिग्नेटेड, जहाँ से वो एलिफेंट्स बिल्कुल पास करे जा सकते हैं। तो क्या होता है, जैसे कि आप रिसेंटली सुनते होंगे कि एलिफेंट पास हो रहा था, ट्रेन जा रही थी, सो देर इज़ यूजुअली अ टेंडेंसी ऑफ दीज एलिफेंट्स गेटिंग किल्ड ऑन अ डे टू डे बेसिस। तो उसके लिए दीज एलिफेंट कॉरिडोर्स वर कंस्ट्रक्टेड, कहाँ कहाँ, दे आर बेसिकली कंस्ट्रक्टेड इन 16 स्टेट्स। और इसके अलावा आपने क्या सुना होगा, ये कितने हैं अभी तक, 88 एलिफेंट कॉरिडोर्स हैं हमारे पास अभी, कितने एलिफेंट कॉरिडोर्स हैं, 88। एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है प्रोजेक्ट माइक, इसको आप याद रख लीजिएगा। व्हाट एग्जैक्टली इस प्रोजेक्ट माइक, कोई मुझे फुल फॉर्म बताएगा, प्रोजेक्ट माइक का फुल फॉर्म क्या है, इट्स बेसिकली ये किसके लिए यूज़ होता है, इलीगल, इट्स लाइक मॉनिटरिंग ऑफ एलिफेंट्स के लिए प्रोजेक्ट लाया गया प्रोजेक्ट माइक। इसका फुल फॉर्म है मॉनिटरिंग ऑफ इलीगल किलिंग ऑफ एलिफेंट्स। तो प्रोजेक्ट माइक भी एलिफेंट के उसमें आया है। और तो दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, प्रोजेक्ट टाइगर एंड प्रोजेक्ट एलिफेंट, दीज टू आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड, स्नो लेपर्ड क्या है, इंडिया ने जो मैंने आपको क्वेश्चन पूछा था, किसी को बना क्यों, क्या एग्जैक्टली इसका आंसर था, रिसेंटली इंडिया ने सिग्नेटरी बना है, एक स्नो लेपर्ड कॉन्फ्रेंस हुआ था, एक तरीके का नेशनल, फर्स्ट नेशनल प्रोटोकॉल, देयर वाज दिस फर्स्ट नेशनल प्रोटोकॉल, ये काफ़ी देश के बीच में हुआ था। क्योंकि स्नो लेपर्ड की अगर हम टेरिटरी देखें, तो जितने भी 5 या 6 स्टेट्स हैं, ठंडे प्रदेश जो होते हैं, सिक्किम हो गया, हिमाचल हो गया, अरुणाचल हो गया, तो यहाँ पे स्नो लेपर्ड पाया जाता है। स्नो लेपर्ड के तहत ये पहला नेशनल प्रोटोकॉल साइन किया गया था, और उसके तहत स्नो लेपर्ड के कॉन्जर्वेशन की बात की थी। तो दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। एक और प्रोजेक्ट है सिक्योर हिमालय, सिक्योर हिमालय, ये भी UNDP की हेल्प से बना है, सिक्योर हिमालय। अगर आपको नाम याद आए तो याद रखिएगा, ये भी कहीं ना कहीं जो स्नो लेपर्ड्स हैं उनके कॉन्जर्वेशन के लिए बनाया गया है, ठीक है। सो आई गेस दिस इज़ मोर देन सफिशिएंट अबाउट दिस पर्टिकुलर एक्ट। इनका आपको ऑर्डर याद होना चाहिए, ईयर याद होना चाहिए, और कौन से एक्ट के तहत क्या आता है ये आपको पता होना चाहिए। चलिए अब फाइनली ये जो है, मैंने आपको काफ़ी सारा बैकग्राउंड दे दिया है, अब जो हम पढ़ेंगे वो लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स है। मतलब ये जो क्वेश्चंस आते हैं कि ये पर्टिकुलर नेशनल पार्क कहाँ सिचुएटेड है, कौन से स्टेट में है, ये एग्जैक्टली कहाँ लाए करता है, कौन सी नदी इनके बीच में बहती है, तो यहाँ आपको पता होना चाहिए कौन सा नेशनल पार्क किस चीज़ के लिए फेमस है, दैट ऑल्सो यू शुड रिमेंबर। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं दाचीगंज नेशनल पार्क की बात करूँ, जम्मू एंड कश्मीर, ओके, हेमिस की बात करूँ, सो वहाँ पर एक संगाई डियर होता है जो वहाँ का स्टेट एनिमल है, तो उसके लिए वो फेमस है। नीलगिरी तहार आपने सुना होगा, ठीक है। तो ऐसे करके वेरियस एनिमल्स होते हैं, बर्ड्स होती हैं, जिनके प्रोटेक्शन के लिए डेडिकेटेड नेशनल पार्क्स बनाए जाते हैं।
तो अब आप बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, हम कोशिश करेंगे हमें सारे नाम याद हो जाएं, पूरा एक बार में याद होना मुश्किल है, बट वी विल ट्राई टू रिमेंबर ऑल दीज नेम्स. ठीक है, तो फर्स्ट हम बात करते हैं आंध्र प्रदेश की. आंध्र प्रदेश में यहाँ पे लिखा है श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क. तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है आंध्र प्रदेश का, श्री वेंकटेश्वरा नेशनल पार्क. इसके अलावा दो और इंपॉर्टेंट पार्क है यहाँ पे, राजीव गांधी और पापीकोंडा. दो और इंपॉर्टेंट है, राजीव गांधी और पापीकोंडा. तो बेसिकली अगर मैं आंध्रा की बात करूं, आपसे पूछे कि आंध्र प्रदेश में कितने नेशनल पार्क है, तो 3, श्री वेंकटेश्वर, राजीव गांधी और पापीकोंडा, ये याद रखिएगा. अरुणाचल की बात करती हूँ मैं, तो अरुणाचल इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ नेशनल पार्क. तो इसमें जो लिस्टेड है वो है मॉलिंग नेशनल पार्क. कोई मुझे और बताइए अरुणाचल के और कौन कौन से नेशनल पार्क हैं जो फेमस हैं. बहुत फेमस अरुणाचल में नेशनल पार्क है. एक और है अगर मैं अरुणाचल की बात करूँ, यहाँ पे एक आता है नामडाफा. ठीक है, नामडाफा इज ऑल्सो वेरी फेमस पार्क. मॉलिंग की बात करूं जो आप यहां देख सकते हैं वो यहां पे है. ठीक है, जैसे मैं आपने देखा होगा ब्रह्मपुत्र यहां बहती है, तो ये दिहांग, दिबांग, सियांग, ये सारी वैलीज हैं, दिबांग वैली, दिहांग वैली, सियांग. तो यहां पे मॉलिंग नेशनल पार्क सिचुएटेड है, यहां पे नामडाफा सिचुएटेड है. एक और बहुत इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है, यूपीएससी ने पूछा था आपसे, उसका नाम है पखुई. तो अगर आपसे कोई पूछे वेयर एग्जैक्टली इज दिस पखुई नेशनल पार्क, तो पखुई याद रखिएगा, पखुई अरुणाचल और असम के कहीं ना कहीं बॉर्डर पे आता है. तो पखुई नेशनल पार्क इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में. ठीक है, तो अरुणाचल के हमने कवर कर लिए. नेक्स्ट आता है असम. असम में आप देख सकते हैं काजीरंगा, जो कि बहुत वर्ल्ड फेमस है काजीरंगा. हाँ जी, नामडाफा, बिल्कुल नीरज सही बताया आपने, नामडाफा एंड पखुई, देर आर अदर टू फेमस पार्क ऑफ अरुणाचल. तो अगर हम असम की बात करें, असम में काजीरंगा आता है. और मुझे बताइएगा और कौन कौन से फेमस हैं असम में. असम में एक और आता है, अगर मैं असम की बात करूँ सिंपल नक्शे के हिसाब से, तो यहाँ पे एक आता है ओरांग. ठीक है, ओरांग नेशनल पार्क इज ऑल्सो इन असम. यहाँ पे आता है मानस, ओरांग, मानस. और बताइए, काजीरंगा हो गया, और मुझे एक आध नाम बताइए. एक और होता है नामेरी नेशनल पार्क. सो ये सब असम के हैं. काजीरंगा इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं वन हॉर्न राइनो, और ये यूनेस्को जैसे कि आपको पता होगा यूएन की संस्था है कल्चरल, और उसके तहत डील करती है ये. तो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है. कौन सी है, वो काजीरंगा है. ठीक है, काजीरंगा है. तो काजीरंगा हो गया, मानस हो गया, ओरांग हो गया, नामेरी हो गया. इसके अलावा अगर किसी को कुछ याद आए तो मुझे बताना कौन कौन से हैं. कोई और किसी को नाम याद आ रहा है एग्जैक्टली और कौन सा है. एक और है जो इम्पोर्टेंट है, ओके आई विल टेल यू. एक है डिब्रू सिखोवा नेशनल पार्क. ये असम की टिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट में लाई करता है डिब्रू सिखोवा नेशनल पार्क. तो असम के आपको सारे याद हो गए, ओरांग, मानस, नामेरी, काजीरंगा और डिब्रू सिखोवा. ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट. ये हो गया डिब्रू सिखोवा, मानस, नामेरी, ओरांग. अब बिहार में आते हैं. बिहार में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं है. बिहार में जो फेमस मैं बात करूँ, जो ज़्यादा फेमस न्यूज़ में रहते हैं, उनका नाम है वाल्मीकि नेशनल पार्क. तो जब भी बिहार आए तो बिहार का आप याद रखिएगा, बिहार में जो है वो है वाल्मीकि नेशनल पार्क. छत्तीसगढ़ में आते हैं, छत्तीसगढ़ में, तो छत्तीसगढ़ में कौन से फेमस नेशनल पार्क्स हैं. अगर मैं छत्तीसगढ़ का मैप, रफ मैप ड्रॉ करूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर MP ये है, MP के बगल में छत्तीसगढ़ है, तो छत्तीसगढ़ में 3 नेशनल पार्क बहुत फेमस हैं, इंद्रावती, कांगेर वैली और गुरु घासीदास. ठीक है, सो याद रखिएगा, इंद्रा कांगेर गई अपने गुरु से मिलने. सो छत्तीसगढ़ में यहाँ पे कहाँ आता है, यहाँ पे कहीं इंद्रावती आता है, यहाँ पे आता है कांगेर, और यहाँ पे कहीं आता है गुरु घासीदास. ठीक है, तो छत्तीसगढ़ के बेसिकली
तीन नेशनल पार्क फेमस हैं, इंद्रावती, कांगेर और गुरु घासीदास। ठीक है, इंद्रावती कहाँ पे? यहाँ पे एक बीजापुर डिस्ट्रिक्ट है, बीजापुर डिस्ट्रिक्ट के पास इंद्रावती लोकेटेड है। और गुरु घासीदास किसके पास है? कोरिया के पास, एक कोरिया डिस्ट्रिक्ट है। तो तीन याद रखिएगा, इंद्रावती, कांगेर और गुरु घासीदास। अभी तक किसी को कुछ भी कन्फ्यूजन? हाँ जी, अचानक मार भी है, अचानक मार यहाँ पर है, बट अचानक मार कम्स अंडर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, अचानक मार भी, इसके अलावा एक और है, अगर आपने नाम सुना होगा, उडांटी सीता नदी। अचानक मार, उडांटी, सीतामती, तो ये भी एक तरीके के छत्तीसगढ़ में सिचुएटेड है, बट दीज आर बेसिकली वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। बट आपको नाम याद होने के, कल को कोई क्वेश्चन आपसे पूछ ले, सो यू शुड रिमेंबर, अचानक मार इज ऑल्सो इन छत्तीसगढ़, वेयर इज उडांटी सीता नदी इज ऑल्सो इन छत्तीसगढ़। ठीक है, सो दीज आर द वेरियस पार्क्स ऑफ छत्तीसगढ़। नेक्स्ट वी कम टू गोवा। गोवा में छोटा सा स्टेट है, बहुत कुछ है नहीं, बट हाँ, गोवा इज़ ऑल्सो हैविंग मैनी थिंग्स इन टर्म्स ऑफ नेशनल पार्क। सबसे फेमस जो है वो यहाँ का है मोलेम नेशनल पार्क। मोलेम का नाम आप याद रखेंगे, मोलेम नेशनल पार्क इज़ वेरी फेमस इन गोवा। और कौन कौन से दो अदर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आर फेमस? एक है यहाँ पे भगवान महावीर नेशनल पार्क बोल सकते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बोल सकते हैं, और एक है नेत्रावती। तो याद रखिएगा, भगवान महावीर को सैल्वेशन कब मिला था? उनकी आंखें कब खुली थी? ठीक है, जब उन्होंने घर छोड़ा था। तो भगवान महावीर एंड नेत्रावती, भगवान महावीर, नेत्रावती, मोलेम, ये सब कहाँ पर है? ये है अपने गोवा में। गोवा हो गया, नाउ कमिंग टू गुजरात। गुजरात इज ऑल्सो वेरी फेमस इन टर्म्स ऑफ नेशनल पार्क्स। तो इसमें कौन कौन से नेशनल पार्क्स हैं गुजरात में जो कि बहुत फेमस हैं और काफ़ी न्यूज़ में रहते हैं? सो आई वुड से आपको इसकी लोकेशन भी याद होनी चाहिए, अगर मैं गुजरात की बात करूँ तो। हाँ जी बिल्कुल सोनू, और बताइए मुझे, इसके अलावा भी एक यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है जो है गिर। ठीक है, गिर कहाँ पे आता है? गिर यहाँ पे कहीं आता है गुजरात में। गुजरात में एक गिर बहुत इंपॉर्टेंट है, और एक है मरीन नेशनल पार्क। उसका एग्जैक्टली नाम मुझे बताइएगा, मरीन नेशनल पार्क कहाँ पे सिचुएटेड है? मरीन नेशनल पार्क इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ये कहाँ पे है? ये द्वारका में है। आपने एक होली सिटी और द्वारका सुनी होगी, जो पुरानी द्वारका थी दैट इज़ इमर्स नाउ, वो अब डूब चुकी है। सो द्वारका में मरीन नेशनल पार्क सिचुएटेड है, वेयर इज़ गिर, यहाँ पर है। और कौन सा बचा? ये हो गया एक ब्लैकबक नेशनल पार्क है। तो गुजरात में ब्लैकबक नेशनल पार्क भी बहुत फेमस है। उसका नाम एक और है वम्सडा नेशनल पार्क, वो यहाँ पे सिचुएटेड है। ब्लैकबक क्यों फेमस है? आपने सुना होगा जो सलमान खान इंसिडेंट हुआ था। हाँ, नल सरोवर भी है, बिल्कुल। मैं इंपॉर्टेंट बता रही हूँ, ऐसे बहुत सारे होते हैं, आपको इंपॉर्टेंट पता होना चाहिए। ब्लैकबक जो है, जो हंटिंग का केस था, ब्लैकबक इज़ ऑल्सो प्रोटेक्टेड अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। इसके तहत ही जब कोर्ट ने ऑर्डर, जोधपुर कोर्ट ने ऑर्डर सुनाए थे सलमान खान के अगेंस्ट, तो उन्होंने बोला था कि उनको 10,000 का फाइन और अप टू 5 ईयर सेंटेंस होगा, और उनको इवन रिपीटेटिव ऑफेंडर भी बोला था। तो ब्लैकबक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ब्लैकबक नेशनल पार्क इज़ ऑल्सो इन गुजरात। हो गया, अब हम जल्दी से आते हैं हरियाणा पे। हरियाणा में कालेसर और सुल्तानपुर, ये आपने सुना होगा बहुत फेमस है, सुल्तानपुर नेशनल पार्क और कालेसर। तो ये दो आप याद रखिएगा, हरियाणा के कालेसर और सुल्तानपुर। हिमाचल में आते हैं, तो हिमाचल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ नेशनल पार्क्स। हिमाचल में कौन कौन से आते हैं? सबसे पहले तो आता है ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क। तो ये जो ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें मुझे बताइएगा, इसको भी काजीरंगा जैसे सेम स्टेटस मिला हुआ है, इसको भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज का स्टेटस मिला हुआ है। और इसमें बताइएगा कि कौन सी प्रजाति पाई जाती है बेसिकली ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क में, ये कहाँ सिचुएटेड है? ये जो सिचुएटेड है, ये आप देखेंगे, ये कुल्लू में है। हिमाचल को आप सुना होगा, कुल्लू मनाली जो डिस्ट्रिक्ट है, कुल्लू में ये पर्टिकुलर नेशनल पार्क सिचुएटेड है। और इसमें कौन कौन सी प्रजातियां पाई जाती हैं? स्नो लेपर्ड, जो हमने अभी डिस्कस किया था, स्नो लेपर्ड, हिमालयन ताहर, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट स्पीशीज़ हैं जो इस पर्टिकुलर नेशनल पार्क में पाई जाती हैं। सो दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। इंद्र किला, खीर गंगा और सिंबलवारा। तो फिर याद रखिएगा, जैसे हमने छत्तीसगढ़ का याद किया था कि इंदिरा कांगेर गई अपने गुरु से मिलने, वैसे ही इंदिरा खीर गंगा गई
इंदिरा खीर गंगा गई, इंदर किला खीर गंगा सिंबल बारा, इंदिरा खीर गंगा सिंबल बारा। तो ये याद रखिएगा, ये सब कहाँ पे सिचुएटेड हैं, ये हिमाचल प्रदेश में सिचुएटेड हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट आते हैं जम्मू एंड कश्मीर, विच इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ नेशनल पार्क्स। अगर मैं, ये थोड़ा डिफॉर्म सा बना है, बट अगर मैं जम्मू कश्मीर की बात करूं, तो अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो JNK में तीन पार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, डाचीगम, हेमिस और सलीम अली, ठीक है। तो डाचीगम, हेमिस और सलीम अली, तो सलीम अली हाँ किश्तवाड़ भी है, बट अगर मैं आपसे जो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं वो किससे पूछे जाते हैं, इससे। डाचीगम यहाँ पे सिचुएटेड है। डाचीगम का मतलब क्या होता है, 10 villages। डाचीगम 10 गांवों का समूह से मिलकर ये पर्टिकुलर नेशनल पार्क बना था। यहाँ पे कौन फेमस है, यहाँ का कश्मीरी स्टैग। कश्मीरी स्टैग जो जम्मू कश्मीर का स्टेट एनिमल है, कश्मीरी स्टैग कहाँ पाया जाता है, डाचीगम में, ठीक है। हेमिस बहुत इंपॉर्टेंट है, हेमिस कहाँ है, यहाँ कहीं है। और हेमिस कहाँ पर आता है, को मुझे लिख के बताइएगा ऐप पे, जितने भी जुड़े हैं, जय, आयुष, नीरज, आई एम सीइंग ऑल ऑफ योर कमेंट्स, तो आप प्लीज़ कीप ऑन कमेंटिंग, इंटरैक्टिव रहिएगा। तो हेमिस क्यों फेमस है, क्योंकि हेमिस इज़ द लार्जेस्ट नेशनल पार्क ऑफ एशिया। तो हेमिस सबसे बड़ा नेशनल पार्क है एशिया का, और हेमिस में और क्या क्या पाया जाता है, ये एग्जैक्टली एशिया नहीं, आई एम सॉरी, इट्स लार्जेस्ट नेशनल पार्क ऑफ द कंट्री। इंडिया का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है, और ये कहाँ सिचुएटेड है, ये लद्दाख में सिचुएटेड है। तो हेमिस अगर आपसे कोई पूछे तो ये लद्दाख में सिचुएटेड है। सलीम अली नेशनल पार्क इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सलीम अली, जैसे कि आपको एस से नाम याद रहेगा, सलीम अली श्रीनगर में सिचुएटेड है। जो भी लोग श्रीनगर गए होंगे वहाँ पे आपने विजिट किया होगा, हाँ जी। तो सलीम अली श्रीनगर में सिचुएटेड है। एक और क्या बचा, किश्तवाड़ में भी कश्मीरी स्टैग पाया जाता है। सो डाचीगाम एज वेल एज़ किश्तवाड़। तो जम्मू कश्मीर का बिल्कुल याद रखिएगा, भूलेंगे नहीं आप। कौन कौन से हैं, डाचीगाम, हेमिस, सलीम अली एंड किश्तवाड़, ये चार बहुत इंपॉर्टेंट है। झारखंड में आते हैं, झारखंड का सबसे इंपॉर्टेंट पार्क है, जैसे कि हमने बिहार में पढ़ा था, बिहार में भी सिर्फ एक ही था, झारखंड में दिस बेटला नेशनल पार्क बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे क्या पाया जाता है, फॉरेस्ट ओल्स, स्लॉथ बियर और बाइसन पाया जाता है। तो अगर आपसे पूछे कि वेयर एग्जैक्टली इस बेटला नेशनल पार्क इज सिचुएटेड, तो याद रखिएगा ये झारखंड में है, ठीक है। और अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है कर्नाटका। कर्नाटका में बेसिकली अगर मैं बात करूँ तो जो फेमस हैं वो कौन कौन से हैं, बांदीपुर फेमस है, बानेर घाटा नेशनल पार्क फेमस है, और ये नगरहोल नेशनल पार्क, इसको हम नगरहोल को और क्या बोलते हैं, राजीव गांधी नेशनल पार्क, ठीक है। राजीव गांधी नेशनल पार्क इज़ ऑल्सो इट्स वेरी फेमस, इट्स बेसिकली इट्स सिचुएटेड इन कर्नाटका। नगरहोल किसके पास है, ये मैसूर के पास है, मैसूरू के पास नगरहोल सिचुएटेड है। बानेर घाटा की बात करूँ तो ये बैंगलोर के पास है, याद रखिएगा बैंगलोर। बानेर घाटा इज़ ऑल्सो वेरी फेमस। बानेर घाटा न्यूज़ में और रहा था 2018-2019 में, क्यों रहा था, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट बटरफ्लाई का पार्क बनाया हुआ था, फर्स्ट इन द कंट्री, अभी तक नहीं बना था ऐसा, वहाँ पे बटरफ्लाई पार्क बनाया गया था बानेर घाटा में। तो बानेर घाटा, बंदीपुर, नगरहोल और एक दांडेली नेशनल पार्क, दिस इज़ ऑल्सो वेरी फेमस। तो आपको कर्नाटका के याद हो गए होंगे कौन कौन से हैं। अब नेक्स्ट हम आते हैं केरला। केरला में बहुत इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है, एक सबसे इंपॉर्टेंट है जो शोला नेशनल पार्क, आपने सुना होगा, एक प्रजाति होती है, एक फॉरेस्ट का टाइप होता है जिनको हम बोलते हैं शोला फॉरेस्ट। तो वो जो फॉरेस्ट होते हैं उनके अराउंड ये पर्टिकुलर नेशनल पार्क पाया जाता है, इसको हम बोलते हैं पम्बडुम शोला नेशनल पार्क, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और क्या फेमस है, इराविकुलम नेशनल पार्क। अगर मैं केरला की बात करूँ तो इराविकुलम नेशनल पार्क जो है वो केरला और तमिलनाडु की कहीं ना कहीं बॉर्डर में आता है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इसको हम क्या बोलते हैं, साइलेंट वैली, आपने सुना होगा। जस्ट अ सेकेंड, देयर इज दिस टेक्निकल हिच,
सो अगर मैं केरला की बात करूँ, आपने साइलेंट वैली नेशनल पार्क सुना होगा, एक पेरियार नेशनल पार्क है. तो पेरियार नेशनल पार्क में क्या पाया जाता है, उसमें एक तरीके का साइलेंट वैली को साइलेंट वैली क्यों कहते हैं. द बोर्ड इज़ नॉट वर्किंग. But the slide is not moving, no? So yeah, so I was saying, जब तक ये meanwhile the technical issue is getting solved, Silent Valley को Silent Valley National Park क्यों बोलते हैं, क्योंकि वहाँ पर एक आपने सुना होगा एक सिरकाडास करके, अगर आप जाते होंगे किसी फॉरेस्ट में तो यू माइट हैव हर्ड द हमिंग साउंड. ठीक है, जुगनू बोलते हैं हम. तो सिरकाडास जनरली प्रेजेंट होते हैं ऐसे फॉरेस्ट में, साइलेंट वैली में ऐसे सिरकाडास आर नॉट प्रेजेंट. ठीक है, तो वो एब्सेंट होते हैं, इसलिए उनको साइलेंट वैली नेशनल पार्क बोलते हैं. साइलेंट वैली उसी पे नाम है. और पेरियार नेशनल पार्क इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. पेरियार नेशनल पार्क ऑल्सो यू शुड बी नोइंग अबाउट. केरला हमारा हो गया था, अब हमारा क्या बचा. केरला में जो एक इराविकुलम नेशनल पार्क है, वहाँ पे बहुत फेमस एक एनिमल पाया जाता है, उसको हम बोलते हैं नीलगिरी तहार. उसको वेस्टर्न घाट्स में पाया जाता है, डैट इज़ एंडेमिक. वो सिर्फ वेस्टर्न घाट में पाई जाती है नीलगिरी तहार. ठीक है, और कौन कौन सा है. साइलेंट वैली मैंने आपको बताया, और कौन कौन सा फेमस है इसमें. अनामुडी शोला, दैट इज़ ऑल्सो वेरी फेमस. पेरियार इज़ ऑल्सो वेरी फेमस. ठीक है, नेक्स्ट कमिंग टू मध्य प्रदेश. मध्य प्रदेश में जैसे कि मैंने बताया आपको टाइगर्स, फाइव इट्स अ टाइगर स्टेट ऑल्सो. वेयर इज, अगर कोई क्वेश्चन आपसे पूछे विच पर्टिकुलर स्टेट हैज़ द हाइएस्ट नंबर ऑफ टाइगर नेशनल पार्क्स, ठीक है, इन इंडिया. सो मध्य प्रदेश होल्ड दिस डिस्टिंक्शन ऑफ हैविंग द हाइएस्ट नंबर ऑफ नेशनल पार्क्स इन इंडिया. ये जितने भी आप नेशनल पार्क्स देख सकते हैं, बांधवगढ़, पेंच, बांधवगढ़ नेशनल पार्क, पेंच नेशनल पार्क. बांधवगढ़ कहाँ सिचुएटेड है, उमरिया डिस्ट्रिक्ट में. कान्हा है, कान्हा कहाँ पर है, मंडला डिस्ट्रिक्ट में कान्हा नेशनल पार्क आता है. इसमें वाइल्ड लाइफ सफारीज होती है, यू माइट हैव हर्ड अबाउट इट. पन्ना नेशनल पार्क, रीवा सतना पन्ना जो ऊपर मध्य प्रदेश के नॉर्थ में सिचुएटेड है. पेंच नेशनल पार्क, पेंच इज ऑल्सो वेरी फेमस इन MP. संजय नेशनल पार्क एंड सतपुरा. सतपुरा कहाँ सिचुएटेड है, सतपुरा, सतपुरा की पहाड़ियाँ आपने सुनी होंगी, देर माउंटेन रेंजेस. पचमढ़ी, पचमढ़ी के पास सतपुरा नेशनल पार्क सिचुएटेड है. ओके, महाराष्ट्र की बात करें हम, महाराष्ट्र में भी कुछ नेशनल पार्क सिचुएटेड जो कि इंपॉर्टेंट है. संजय गांधी, चांदोली, नावेगांव और तडोबा अंधेरी. सो दीज फ्यू आर वेरी इंपॉर्टेंट इन महाराष्ट्र. कौन कौन से हैं, राजीव गांधी, चंदोली, नावेगांव, तडोबा. तो आपको सिर्फ नाम पता होना चाहिए बेसिकली नेशनल पार्क्स का, आपसे बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं पूछेंगे. कमिंग टू द नॉर्थ ईस्ट रीजन ऑफ कंट्री, मणिपुर. मणिपुर में एक बहुत फेमस नेशनल पार्क है, किबुल लमजाओ. किबुल लमजाओ नेशनल पार्क बहुत ज़्यादा न्यूज़ में भी रहता है, और इससे वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आपसे पूछा जाता है. किबुल लमजाओ में क्या होता है, ये किसके लिए फेमस है, संगाई डियर्स. ठीक है, संगाई डियर्स और डांसिंग डियर्स, ये एक और इसको एक दर्जा मिला है. इट इज़ द ओनली फ्लोटिंग पार्क इन द वर्ल्ड. तो ये क्या है, नेशनल पार्क है जो कि एक नदी पे बना है, और ये फ्लोटिंग है. फ्लोटिंग मतलब यहाँ पे एक तरीके की वेजिटेशन होता है, उनको हम बोलते हैं फुमडीज. ठीक है, फुमडीज होती हैं, फुमडीज से बनकर ऐसे करके एक नेशनल पार्क बना है उसके ऊपर, इसलिए हम बोलते हैं इनको डांसिंग डेयर्स. तो संगाई और डांसिंग डेयर्स फुमडीज से बना है, फ्लोटिंग है, और पूरे वर्ल्ड में इट्स द ओनली यूनिक नेशनल पार्क. द नेम ऑफ इट्स किबुल लमजाओ नेशनल पार्क. कहाँ पर है ये, मणिपुर में है. मेघालय में बहुत जो मोस्ट फेमस है वो है नॉकरेक. नाम आपको याद होना चाहिए, बालफ्रकम भी एक नेशनल पार्क है, बट नॉकरेक सबसे ज़्यादा जो पूछा जाता है सवाल, वो किससे पूछा जाता है, किबुल लमजाओ. किबुल लमजाओ कहाँ पर है, मणिपुर, आपको याद होना चाहिए. ठीक है, मेघालय में जो फेमस है वो है नॉकरेक पार्क. नॉकरेक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. मिजोरम की हम बात करें तो फगन फूल ब्लू नेशनल पार्क और मुरलेन नेशनल पार्क. ब्लू नेशनल पार्क क्या है, वहाँ पर आपने सुना होगा एक ब्लू माउंटेन पीक है, ब्लू माउंटेन सिचुएटेड है मिजोरम में. ठीक है, मिजोरम त्रिपुरा, आपने मैप में इंडिया का मैप आपको अभी तक बहुत अच्छे से याद हो जाना चाहिए. तो वहाँ पे एक ब्लू माउंटेन पीक पाई जाती है, उसी के पास है ब्लू नेशनल पार्क. वो कहाँ है, मिजोरम में. नागालैंड में एक नागटंकी नेशनल पार्क है, नागालैंड से एन से एन याद रखिएगा, नागटंकी नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन नागालैंड. ठीक है, उड़ीसा में अब हम आते हैं, जैसे कि मैंने आपको ऑलिव रिडली टर्टल्स बताया था. ठीक है, जैसे कि मुझे किसी ने बताया था कि उनका मैस्कट भी था, तो
कहाँ पे पाया जाता है? वो बेसिकली पाया जाता है भीतर निका नेशनल पार्क इज ऑल्सो सिचुएटेड इन उड़ीसा. अनदर इम्पॉर्टेंट नेशनल पार्क इन उड़ीसा इज सिमलीपाल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, नेशनल पार्क भी है, तो याद रखिएगा सिमलीपाल. और एक और चीज़ वहाँ पे फेमस है, अगर आपने सुना होगा तो वहाँ पे मैंग्रोव सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल भी पाया जाता है, ठीक है. और एक और चीज़ वहाँ पे फेमस है, डॉल्फिन, ठीक है. सो डॉल्फिन वहाँ पाई जाती हैं, सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल्स पाए जाते हैं कहाँ पे? भीतरनिका और सिमलीपाल. राजस्थान में जैसे मैंने आपको बताया था जब टेक्निकल इशू हुआ था, कौन कौन से याद करेगा? रणथंबोर है, रणथंबोर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मुकुंद्रा हिल्स दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, राजस्थान बींग अ डेजर्ट स्टेट तो डेजर्ट नेशनल पार्क, ये भी आपको याद रहेगा. सरिस्का नेशनल पार्क काफ़ी न्यूज़ में रहता है, तो राजस्थान के 4-5 नेशनल पार्क्स हैं, रणथंबोर, मुकुंद्रा हिल्स, डेजर्ट नेशनल पार्क्स एज वेल एज सरिस्का नेशनल पार्क, ठीक है. साउंड, हाँ जी, अभी आई गेस आपको साउंड आ रहा है, प्लीज़ एक मुझे यस करके बता दीजिएगा अगर वॉइस इज टोटली ऑडिबल टू एवरीवन. चलिए सिक्किम में आते हैं. दिस इज़ द मोस्ट नेशनल इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क बिकॉज इसको भी काजीरंगा जैसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिला हुआ है. इसको हम क्या बोलते हैं? कंचनजंगा. कंचनजंगा नेशनल पार्क एक वहाँ पे एक पीक है, कंचनजंगा जो हाईएस्ट पीक है आपने पढ़ा होगा उस पर ये नेशनल पार्क सिचुएटेड है. ये कहाँ पर है? सिक्किम में. चलिए जल्दी से हम आते हैं तमिलनाडु. तमिलनाडु का जो बहुत फेमस पार्क है वो है इंदिरा गांधी अनामलाई नेशनल पार्क, गल्फ ऑफ मन्नार. जैसे आपने देखा होगा जो तमिलनाडु है, जो हमारे इंडिया है, तमिलनाडु यहाँ सिचुएटेड है, यहाँ तमिलनाडु, यहाँ पे गल्फ ऑफ मन्नार है. तो गल्फ ऑफ मन्नार नेशनल पार्क सिचुएटेड है तमिलनाडु में. मुदुमलाई मुकुर्ती अनामलाई और गल्फ ऑफ मन्नार. तेलंगाना, क्योंकि अब आंध्रा से अलग हो गया है, आंध्रा में हमने 3 नेशनल पार्क्स पढ़े थे आपको याद होगा, वैसे ही तेलंगाना में कासू, महावीर, हरिना, ये 2 मेन फेमस पार्क हैं, क्योंकि अब डिफरेंट हो गया तो आपको इनके कम इम्पॉर्टेंट का भी याद रखना पड़ेगा. त्रिपुरा में कौन सा नेशनल पार्क फेमस है? राजबरी और क्लाउडेड लिपर्ड. क्लाउडेड लिपर्ड एक प्रजाति होती है लिपर्ड की, आपने देखा होगा जिसमें धब्बे धब्बे होते हैं. सो दी स्पॉट्स आर देयर ऑन दैट पर्टिकुलर लिपर्ड. और वो जो कहाँ पाए जाते हैं? ये त्रिपुरा में पाए जाते हैं. उत्तराखंड में ये सारे बहुत फेमस हैं और जो न्यूज़ में आते हैं. जिम कॉर्बेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ये हमारा फर्स्ट नेशनल पार्क था इंडिया का, फर्स्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया. इसको हम पहले क्या बोलते थे? इसको हम बोलते थे हेलीज नेशनल पार्क. तो हाँ जी, जो भी बच्चे अभी जुड़ रहे हैं, क्लास इज अबाउट टू एंड, गुड इवनिंग. सो जिम कॉर्बेट कहाँ पर है? उत्तराखंड में है, फर्स्ट नेशनल पार्क है, हेलीज बोलते हैं. वैली ऑफ फ्लावर्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वैली ऑफ फ्लावर्स इज ऑल्सो इन उत्तराखंड. और नंदा देवी, क्योंकि यहाँ पे आपने देखा होगा नंदा देवी पीक सिचुएटेड है, तो नंदा देवी वैली ऑफ फ्लावर, जिम कॉर्बेट और राजा जी नेशनल पार्क. सो दीज आर फेमस पार्क ऑफ उत्तराखंड. उत्तर प्रदेश में दूधवा नेशनल पार्क, ये आपको नाम याद रखने वाली चीज़ है. इसमें दूधवा नेशनल पार्क इज़ इम्पॉर्टेंट. लास्ट के 2 स्टेट्स बचे हैं, कौन कौन से बचे हैं? वेस्ट बंगाल और अंडमान. तो जैसे कि नॉर्थ ईस्टर्न के स्टेट्स आपने पढ़े थे, आपको याद होने चाहिए, वैसे ही वेस्ट बंगाल में बहुत इंपॉर्टेंट है सुंदरबन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. आपने देखा होगा जो वेस्ट बंगाल वाला एरिया है, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम मार्शेस बोलते हैं. और इन सुंदरबन को, सुंदरबन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को सुंदरबन क्यों बोला गया? क्योंकि यहाँ पे एक प्रजाति की ट्री पाई जाती है, उसका नाम होता है सुंदरी ट्री. उस ट्री को हम क्या बोलते हैं? सुंदरी ट्री पाई जाती है, उसी के नाम पे सुंदरबन नाम लिखा है. ये मार्शेस होते हैं, यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे हेलोफाइट्स होते हैं, मतलब जिनको ऐसी प्रजाति के पेड़ जिनको नमक के पानी में उगने की आदत होती है, हेलोफाइट्स बोलते हैं उनको, वो सुंदरबन में पाए जाते हैं. जल्दा पारा, बक्सा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वो भी वेस्ट बंगाल में है. बक्सा नेशनल पार्क, न्योरा, बक्सा और गोरुमारा, ये सब वेस्ट बंगाल के फेमस नेशनल पार्क्स हैं, ठीक है. लास्ट अंडमान एंड निकोबार, क्योंकि एक आइलैंड स्टेट है बट इट्स एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ आर कंट्री, तो इसके भी आपको नेशनल पार्क्स याद होने चाहिए. इसका सबसे फेमस जो है, अगर कोई अंडमान निकोबार गया है घूमने के लिए, सो यू माइट हैव हर्ड अबाउट दिस पर्टिकुलर पार्क, माउंट हैरियट सबसे ज़्यादा विजिटर्स जाते हैं. माउंट हैरियट, महात्मा गांधी मरीन पार्क, ये भी बहुत फेमस है. सैडल पीक और कैंपबेल, ठीक है. सैडल पीक अगर आपसे कोई पूछे, ये सब जितने भी इंग्लिश नेम आपको दिखते हैं वो जनरली अंडमान में होते हैं. माउंट हैरियट, सैडल पीक और कैंपबेल बे, ये सब अंडमान में है. एक और बहुत इंपॉर्टेंट है रानी झांसी. तो अगर आपसे कोई एग्जाम में पूछे वेर एग्जैक्टली रानी झांसी, तो कंफ्यूज मत होइएगा, इतने सारे इंग्लिश नामों में एक हिंदी नाम भी है जो कि है झांसी की रानी का. तो रानी झांसी नेशनल पार्क मरीन पार्क है बेसिकली ये, वहाँ पे कोरल्स और एटॉल्स जो आपने सुना होगा, कोरल रीफ की प्रजातियाँ पाई जाती हैं, तो ये भी अंडमान निकोबार में सिचुएटेड है, ठीक है.
चलिए तो दिस वॉज ऑल फॉर द क्लास. थोड़ा सा टेक्निकल इशू हुआ बीच में, उसके लिए सॉरी, इसलिए थोड़ा सा क्लास लंबा खिंच गया. बट दिस वॉज अ लिटिल, थोड़ा सा प्रिव्यू बोल सकते हैं हमारे कोर्सेज में जो भी आप पढ़ेंगे उसका प्रिव्यू था. सो वी आर यू नो एज UPPSC prelims 2020 इज़ कमिंग एंड इफ़ यू वॉन्ट टू क्रैक इट इन द वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट एज पर द ऑफिशियल UPPSC कैलेंडर, द प्रिलिमिनरी एग्जाम विल बी कंडक्टेड ऑन 21st ऑफ जून. और हमारा Gradeup पे अ न्यू कोर्स विल बी स्टार्टिंग, इट्स अबाउट टू गेट स्टार्टेड. उसका नाम है शिखर UPPSC 2020. ठीक है, तो इट्स अ 4 month कोर्स, ये 4 महीने का कोर्स रहेगा. उसका नाम है शिखर UPPSC 2020. और ये कोर्स कब से स्टार्ट होगा? ये बेसिकली आपका जो कोर्स है, इट विल बी स्टार्टेड फ्रॉम विच डेट? 27th ऑफ जैन. और 31st ऑफ जैन तक आप इसका ट्रायल ले सकते हैं. आपको अर्ली बर्ड डिस्काउंट मिलेगा जो कि है 6990. सो इट्स अ वेरी गुड चांस फॉर एवरी वन हु इज़ टारगेटिंग UPPSC. एंड एज यू कैन सी दे विल बी 200 प्लस लाइव क्लासेज, 190 प्लस PDF मॉक्स रहेंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चन रहेंगे काफ़ी सारे. सो इट विल बी अ ओवरऑल कोर्स कंपाइल, चार महीने में आपको करवाया जाएगा. ठीक है, सो ये एंड मीडियम क्या रहेगा? दिस कोर्स इज़ बेसिकली फॉर दोज हु वॉन्ट टू गिव दिस एग्ज़ाम इन इंग्लिश और हिंदी. क्लासेज बेसिकली हिंदी में होंगी, क्विजेज हिंदी और इंग्लिश में होंगे, स्टडी मटेरियल भी अलग अलग से हिंदी और इंग्लिश में आपको प्रोवाइड किया जाएगा. सो दीज आर द फैकल्टी मेम्बर्स हु विल बी टेकिंग योर क्लासेस फॉर UPPSC. बेसिकली 4 month के ड्यूरेशन में आपको एक्सपर्ट फैकल्टीज, दोज हु आर हैविंग 10+ year एक्सपीरियंस, विल बी टेकिंग योर क्लासेस एंड दे विल बी हैविंग योर डाउट सेशंस एंड एवरीथिंग. सो यू कैन सी द फैकल्टी नेम. एज यू नो, वी हैव लाइव क्लासेज, वी हैव क्विजेज, वी हैव प्रैक्टिस क्वेश्चन, स्टडी नोट्स, ये सारा गमूट है, सारी चीज़ें हैं जो आपके कोर्स में इंक्लूडेड रहेगी. सो येस, एज आई टोल्ड यू, ट्रायल प्लान स्टार्ट हो जाएगा. क्लासेस बेसिकली हो रही हैं 27 January से. 31 तक आप इसका अर्ली बर्ड डिस्काउंट का, यू नो, यू कैन मेक यूज़ ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑफर. एंड इसके अलावा दिस वॉज आ क्लास, काफ़ी ये मैराथन टाइप क्लास हो गई नेशनल पार्क्स की, बट अब तक तो आपको आदत हो जानी चाहिए. आई हैव ऑलरेडी टेकन फ्यू करंट अफेयर्स क्लासेज ऑल्सो. सो वी विल बी कीप मीटिंग नेक्स्ट क्लास में, जब भी होगी वी विल बी डिस्कसिंग फ्यू टॉपिक्स. जो भी आपको डाउट्स रहेंगे, प्लीज़ जस्ट गो टू द वीडियो एंड कॉमेंट सेक्शन में जाके आप प्लीज़ मुझसे पूछ लीजिएगा. आई विल ट्राई टू यू नो एड्रेस देम. ठीक है, सो दैट्स इट फॉर मी. हैव अ ग्रेट इवनिंग, कीप स्टडिंग, बाय बाय.